समुद्र तीरे शशिना प्रतिष्ठितं प्रभास्तीर्थे परमं पवित्रं ज्योतिर्मयं गुर्जरभूमिरत्नं तं सोमनाथं सततं नमामि। सोम यानी कि चंद्र ने जिनकी स्थापना प्रभास के समुद्र तट पर की है, वह विश्व का सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। महादेव शिव शंकर की अनुपम शक्ति का स्रोत सोमनाथ मंदिर कितने आक्रमणों के बावजूद टस से मस न हुआ। गुजरात के पुत्र श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से श्री सोमनाथ मंदिर का नव निर्माण हुआ। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बतौर ट्रस्टी व अध्यक्ष पिछले 10 वर्षों में सोमनाथ के विकास को नई दिशा दिखाई। उनके नेतृत्व में मंदिर के गर्भगृह व शिखर के कलश को सुवर्ण मंडित और लाइट एंड साउंड से मंदिर को रोशन किया गया। विविध अतिथि भवन में यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधा दिलाई एवं राम मंदिर निर्माण व भालका तीर्थ का नव निर्माण कर आज सोमनाथ के माहौल को ऐसा बनाया है कि यहां आने वाले यात्रियों की संख्या में 5 गुनी वृद्धि हुई। और इसी वृद्धि को आगे ले जाते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी आज असंख्य भक्तों के लिए पर्यटन, आध्यात्म व इतिहास से जुड़े स्थलों का लोकार्पण व शिलान्यास कर रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम है सोमनाथ के प्राकृतिक सौंदर्य को ध्यान में रखकर भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना अंतर्गत बनाया गया समुद्र दर्शन पथ। समुद्र के किनारे बनाया गया 1.5 किलोमीटर लंबा यह समुद्र दर्शन पथ श्री सोमनाथ मंदिर से लेकर त्रिवेणी संगम तक सागर की उछलती लहरों को आगे बढ़ने से रोकेगा और भगवान शिव शंकर से मिलने आ रहे दर्शनार्थियों को लहरों से बातें कराएगा। पब्लिक एड्रेस सिस्टम व CCTV सुरक्षा से सुसज्जित यह वॉकवे दर्शनार्थियों को सुरक्षित और सलामत रखेगा। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई इस पथ का आनंद लेने आएगा और साथ ही स्थानीय लोगों के लिए लेकर आएगा रोजगार के नए अवसर। इसी श्रृंखला में इतिहास से जुड़ा पहलू है सोमनाथ प्रदर्शनी गैलरी। यह गैलरी मात्र मंदिर स्थापत्य की थीम पे बनी है। श्री सोमनाथ मंदिर के खंडित अवशेषों को यहां संजो के रखा गया है। मंदिर की वास्तुकला, स्थापत्य का महत्व एवं अन्य जानकारी हिंदी एवं इंग्लिश भाषा के साथ ब्रेल लिपि में भी दी गई है, ताकि हर एक व्यक्ति हमारे भव्य इतिहास से रूबरू हो पाए। इसी श्रृंखला में आगे है इंदौर की मराठा महारानी मातोश्री अहिल्याबाई होलकर द्वारा सन 1783 में स्थापित किया गया प्राचीन सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ पे हो रहे आक्रमणों के दौर में इसी मंदिर में सोमनाथ महादेव की पूजा होती थी। मर्यादित परिसर क्षेत्र और दुर्गम प्रवेश द्वार वाले पुराने मंदिर परिसर का नवनिर्माण कर कुल 1800 स्क्वायर मीटर के एरिया को मंदिर परिसर में शामिल किया गया व मंदिर के प्रवेश मार्ग को सरल कर सन्मुख प्रवेश बनाया गया है। प्रथम मंजिल पे बनाए गए 2 हॉल, नीचे मंजिल पे बनाई गई दुकानें और विशाल परिसर यहां हो रहे आध्यात्मिक चिंतन को और आगे ले जाएगा। साथ ही सोमनाथ परिसर में हो रहा है श्री पार्वती मंदिर का शिलान्यास। सोमनाथ महादेव के सानिध्य में पार्वती मंदिर का संकल्प रखा श्री सोमनाथ ट्रस्ट ने और सूरत के भीकुभाई धामेलिया व उनके परिवार के सहयोग से आज यह सपना सच होने जा रहा है। दीर्घ दृष्टा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प से आज प्रभास तीर्थ की भक्ति की खुशबू विश्व के हर कोने में प्रसारित होगी। आज उत्सव है प्रभास के हर एक कण में शिव की उपस्थिति का। जय सोमनाथ।